नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, दीपावली का महापर्व कुछ ही दिन शेष है। दोस्तों, अगर इस दिवाली को खास बनाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस दीपावली में कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं आप भी औरों की तरह धनवान बने, आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो को बिना स्किप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, दीपावली आने वाली है और सभी अपने अपने तरीके से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों के साफ सफाई में सुसज्जित करने में लग गए हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम आपको बताएंगे कि मां लक्ष्मी को झाड़ू से कैसे प्रसन्न करें और क्या टोटका करें इस दीपावली के दिन, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करने लगे और आप पर अपनी कृपा बरसाए। दोस्तों, दीपावली के दिन धन पाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तमाम ऐसे उपाय हैं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, उनमें से कुछ तमाम उपाय हम आपको आज बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि झाड़ू का आप क्या करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर हम बात करें तो धन दीपावली के दिन में लगने वाली, यूज होने वाली जो वस्तु होती है, वह धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है, क्योंकि कहते हैं इस दिन खरीदने से उसका 13,000 गुना फल मिलता है। दोस्तों, झाड़ू के बारे में जबरदस्त जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। अभी तक कमेंट में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और हां मित्रों, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आप इस दिन एक श्रीयंत्र स्फटिक का जरूर ले अपने घर। कहते हैं स्फटिक की श्री यंत्र में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, लेकिन आप ध्यान से देख कर लाएगा, टूटा फूटा ना हो। और दोस्तों, ये श्री यंत्र आपको दीपावली के दिन ही स्थापित करना है। और भी तमाम चीजें हैं जो कि मां लक्ष्मी का ही रूप है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती रहती है, मकड़ी के जाले वगैरह की नियमित सफाई होती है, उस घर के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। और साथ ही धन संपत्ति पाने के लिए भी झाड़ू का टोटका किया जाता है। वैसे तो धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीद कर रख लेना चाहिए और ये धन वृद्धि करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल दीपावली के दिन करें या फिर दीपावली के दूसरे दिन से आपकी इच्छा पर है। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और दरिद्रता भी घर से चली जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नए झाड़ू में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही आप जब भी नया झाड़ू लाते हैं घर में, तो झाड़ू के हैंडल में सफेद धागा बांध लें ताकि लक्ष्मी स्थिर रहे। यह भी एक प्रकार का टोटका है। दोस्तों, मंदिर में झाड़ू करना चाहिए। मान्यता है कि सूर्योदय के पहले अगर 3 झाड़ुओं का दान आप मंदिर में कर देते हैं, दीपावली के दिन तो आपके घर में स्थायी तौर पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। लेकिन आपको करना कब है? जब कोई सुबह को देखे नहीं, आपको कोई टोके नहीं, चुपचाप से जाकर रख दे और आ जाए, ये दीपावली के दिन ही कीजिएगा। दोस्तों, लेकिन झाड़ू आपको धनतेरस के ही दिन ले आना है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नए झाड़ू लेकर ही प्रवेश करें। शुभ शकुन माना जाता है और झाड़ू को हमेशा ढक कर रखेंगे। और साथ ही झाड़ू बेडरूम में मत रखिएगा, वरना आप पति पत्नी में झगड़े होने लगेंगे। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन मत खरीदिएगा, वरना आपके घर में दिक्कतें आ सकती हैं। एक साथ आप अगर 3 झाड़ू खरीदते हैं तो बहुत अच्छा सुकून है, नहीं तो आप एक झाड़ू भी कर सकते हैं, पर जोड़ा में मत खरीदिएगा। यदि 2-4 की संख्या में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, आप भले ही आपके घर में झाड़ू पहले से है, लेकिन धनतेरस के दिन फिर भी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए एक झाड़ू आप जरूर ले आइएगा। और दोस्तों, झाड़ू पुराना घर में हो या ना हो, पर हर 4-5 महीने में जरूर चेंज करते रहना चाहिए। और आप कहेंगे कि झाड़ू आप किस दिन फेंके घर से, तो शनिवार के दिन पुराना झाड़ू फेंकना चाहिए। साथ ही शनिवार को घर की विशेष तौर पर साफ सफाई भी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें दीपावली के दिन क्या खास किया जाता है, तो उसमें एक है नमक। आप धनतेरस के दिन नमक जरूर ले आइए और दीपावली के दिन से उसका यूज करना स्टार्ट कीजिए। आप चाहे तो घर में पोछा वगैरह भी दीपावली के दिन से लगवा सकते हैं इसी नमक से। धनिया क्योंकि लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इस धनिया का आपको क्या प्रयोग करना है?
दीपावली के दिन पूजन में इसका यूज करें और दूसरे दिन इसको आप अपने गमलों में या फिर आंगन में भुरक दें। अच्छी तरह से इसे पेड़ उगाएंगे। जितनी अच्छी पेड़ होंगे उतना ज्यादा लक्ष्मी जी की प्रसन्नता जाहिर होगी आपके ऊपर, उतना ज्यादा लक्ष्मी जी बरकत कर देंगी पूरे साल। कहते हैं धातु का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में आप चाहे तो चांदी के, सोना के, वैसे भी धातु कोई भी हो, स्टील पीतल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन कहते हैं अगर चांदी के बर्तन में 40 दिनों तक लगातार आप भोजन करते हैं तो गौर से घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। इस दीपावली आप बर्तन ले आए और ट्राई करें। अगर हम बात करें चांदी के सिक्के की, तो आप दीपावली के दिन कम से कम एक सिक्का तो जरूरी खरीदे ताकि लक्ष्मी पूजन में आप इस सिक्का का भी पूजन कर सके। बहुत अच्छा शकुन माना जाता है और इस सिक्के को पूजन करने के बाद आप चाहे तो अपनी लॉकर में रखें या फिर आप अपने किचन में जहां आप चावल रखते हैं चावल के ढेरे में रख दें। ये आप साल भर पड़े रहने दें। अगर आपको खाना बनाने के समय सिक्का वापस चला आता है आपके पास, तो फिर से वापस उस चावल में रख दे। दोस्तों, हम ये तमाम सामान आपको बताने जा रहे हैं, आपको चांदी के गोल टुकड़े, चौकोर टुकड़े, ये सभी वास्तु दोष दूर करने के टोटके हैं। इन चीजों का प्रयोग दीपावली के समय कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मिट्टी के दीपक की, तो ये आपको धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए ताकि आप धनतेरस के दिन से भाई दूज तक आप अपने घरों को रोशन कर सकें और खुशियां आपको प्राप्त हो, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो। अगर हम दोनों बात करते हैं कमलगट्टे की, तो कमलगट्टे एक ऐसा चीज है जो कमल के बीजे है। ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अपने घर में कमलगट्टा कभी भी रख सकते हैं, चाहे तो इनके माला से लक्ष्मी जी का मंत्र भी जप कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी के पूजन में शंख बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शंखचूर्ण कहते हैं मां लक्ष्मी के भाई थे, वह भी समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे, जिनका वध भगवान शंकर भोलेनाथ ने किया था। लेकिन यहां पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न भाई है, इसलिए शंख का यूज लक्ष्मी पूजन में जरूर कीजिए। स्फटिक की माला, ये आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और वैवाहिक जीवन की तमाम परेशानियों को भी दूर करता है। अगर आप स्फटिक की माला इस दिन इस माला से लक्ष्मी मां के मंत्र जप करने के बाद गले में धारण करते हैं, तो इससे आपके तमाम शुक्र ग्रह के संबंधित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएंगी। पीली कौड़ी, ये लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत ज्यादा महत्व रखने वाला एक वस्तु है। ये पीली कौड़ी आप लक्ष्मी पूजन में यूज करें, 5 या 11 की संख्या में मां को अर्पित करें और फिर लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े में उसको अच्छे से बांध के लपेट के आप अपनी तिजोरी में रखें। ये आपको धन में बरकत देगी। आप चाहे तो 5 कौड़ी को आप अच्छे से लाल कपड़े में बांध के अपने मुख्य द्वार में भी लटका सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर गोमती चक्र की, तो गोमती चक्र एक तरह का तांत्रिक प्रक्रिया है। इससे आपके घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं और आपके घर में बरकत भी होती है, धन खर्चे कम होते हैं। अगर हम लौंग की बात करते हैं, तो दीपावली के दिन आप जो भी दिया जलाएंगे सरसों के तेल का, उसमें 1 या 2 लौंग जरूर डालिएगा, डालना मत भूलिएगा। ये लक्ष्मी मां को इसका जो सुगंध होता है यह आकर्षित करता है और मां लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, घर का भी वातावरण सकारात्मक रहता है। तो दोस्तों, ये थी दीपावली के बारे में छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां मित्रों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।